ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगरच्या हिल लाईन पोलीस ठाण्यात भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड आणि राहुल पाटील यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. यात महेश आणि राहुल दोघंही जखमी झालेत. या प्रकरणानंतर भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी वृत्तवाहिन्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर करोडो रुपये मागे घेतल्याचं आरोप केलाय आणि त्यानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे. आता याचे पडसाद संसदेत देखील उमटले आहेत. आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भ्रष्टाचार विषयी भाजपाला धारेवर धरलं असून गणपत गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री यांच्यावर केलेले आरोप हा भ्रष्टाचार नाही का असा प्रश्न उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली आहे. और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कॅश मिल रहा है, तो इतना कॅश इन सर्क्युलेशन आया कैसे? अगर आप डिमोनेटायझेशन कर रहे तो इतना कॅश आया कैसे की जो आप पकड रहे सिलेक्टिवली, इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा. और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है. और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते हैं, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया. अभी आप होती है ये करप्शन नहीं है तो क्या आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है और आरोप करता है कि वो हो. नहीं नहीं मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ. तो जैसे वहाँ हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है. तो ये करप्शन जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर. तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलकर भ्रष्टाचार देश से निकाल देंगे हम लोग. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन